हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। आइए आज हम लोग देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो जैसे हमें कोई एलिमेंट दिया है, मान लीजिए पी है, और ये बताया है, इस टाइप से लिखा है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन हमें दिया है, तो इससे हम क्या समझेंगे कि जो ए दिया है ये क्या है? मास नंबर। क्या मास नंबर? और जेड जो है ये है एटॉमिक नंबर। हम कह सकते हैं कि मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं मास नंबर को ए से, और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। और पी क्या है? पी तो कोई एलिमेंट है। ठीक। तो जैसे हमें कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है, क्या कोई रिप्रेजेंटेशन दिया है, जैसे कह रहा है 1H1, इसका मतलब इसका जो जो पावर नीचे लिखा है ये एटॉमिक नंबर होता है। क्या जो नीचे लिखा है ये एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखा है ये मास नंबर। इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर जो है 1 है और इसका मास नंबर 1 है। ठीक। तो किसी का भी ऐसे दिया जा सकता, जैसे हमें कहेगा ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया होता है कितना 6C12, तो हम जो ये 6 है ये क्या है? ये एटॉमिक नंबर मींस क्या है? जेड है। और जो 12 है ये क्या है? ए है, मींस मास नंबर। और कार्बन तो पता ही है। ठीक। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6C12, मतलब इसको इस साइड भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है? ये ऊपर मास नंबर और ये क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। ठीक। हमें ऐसे अब आइए एटॉमिक नंबर देखते हैं। क्या एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से और मास नंबर को ए से। ठीक। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर मींस जेड, ये किसके इक्वल होता है? किसी किसी एलिमेंट में या उसके एटम में जितना प्रोटॉन रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा, या कह सकते हैं कि उसके न्यूक्लियस में उसका चार्ज कितना है, न्यूक्लियर चार्ज कितना है, न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? न्यूक्लियर चार्ज के। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? वो चार्ज जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, वो पॉजिटिव चार्ज। और वो चार्ज कौन सा होता है? वो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वही न्यूक्लियर चार्ज है, और वही एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। कह सकते हैं क्या? चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, या कह सकते हैं पॉजिटिव चार्ज। क्या? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और यही क्या होता है? यही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन चार्ज क्या है? पॉजिटिव होता है। ठीक। तो एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। ठीक। तो हमें जब भी पूछा, अगर एटॉमिक नंबर दिया है, जैसे कह रहा है एग्जांपल क्या 6C12, हमसे कहे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, तो हमें पता है कि जेड इसका कितना है, 6 है, तो यही क्या हो जाएगा? यही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो जाएगा। क्या? नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ठीक। अब आइए इलेक्ट्रॉन देखते हैं। इसको आप नोट करें, इलेक्ट्रॉन देखते हैं। पहले किसमें देखते हैं? पहले देखते हैं हम लोग न्यूट्रल एलिमेंट। न्यूट्रल एलिमेंट में, तो न्यूट्रल एलिमेंट में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। किसके इक्वल? एटॉमिक नंबर मींस जेड के, या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक। क्योंकि एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन तो दोनों इक्वल हैं, एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन दोनों इक्वल हैं, तो न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? इक्वल। जैसे एग्जांपल
देखिए न्यूट्रल है, इसका जेड कितना है 8, प्रोटॉन कितना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी 8, इसमें क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है न्यूट्रल में एटॉमिक नंबर के ही इक्वल होता है। हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इसके कितने ही हैं, 8 हैं, कितने हैं 8 है, ठीक। और इसका अगर हम मास नंबर पूछे तो मास नंबर कितना है 16 है, ठीक, मास नंबर कितना है 16। अभी एटॉमिक नंबर बात कर रहे हैं, मास नंबर अभी बात करते हैं, ठीक। इसको नोट करें न्यूट्रल एलिमेंट। अब हम चार्ज एलिमेंट पे देखते हैं, किस पे चार्ज एलिमेंट पे देखते हैं, ठीक। हमने क्या देखा, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, न्यूक्लियर चार्ज, ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज जो किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है वही उसका न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं चार्ज एलिमेंट में, चार्ज एलिमेंट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर जेड माइनस चार्ज उस एटम पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, ठीक, माइनस चार्ज विथ साइन लिखेंगे इसको, विथ साइन यहां पुट अप करेंगे, कैसे विथ साइन, क्या हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज विथ साइन, ठीक। जैसे एटॉमिक नंबर हमें क्या दिया है Mg2+, यहां जो है ये इसका चार्ज है Mg2+ दिया है, इसका एटॉमिक नंबर हमें पता होता है कितना होता है, मैग्नीशियम का हमें पता होता है एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, एटॉमिक नंबर पता है, हमसे कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है चार्ज पे, अच्छा अगर ये न्यूट्रल होता, अगर यहां 2+ ना होता तो क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर के इक्वल होता, लेकिन 2+ आ गया, 2+ आ गया, अच्छा प्लस कब आता है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, जब इसके पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना किसी को डोनेट कर देगा, कम होगा, कम होगा इसका मतलब एटॉमिक नंबर से तो कम आना चाहिए। आइए देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर हमें पता कितना 12, माइनस चार्ज विद साइन क्या चार्ज दिया है 2+, कितना आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन, क्या आया 10, ठीक। अच्छा अगर Mg-2, ठीक होता नहीं, हम ऐसे एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज, चार्ज क्या है 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या देखा कि जब पॉजिटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जा रहे हैं, हाँ पॉजिटिव चार्ज तभी तो आता है जब उसके पास वैकेंसी होगी तभी पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया है या किसी के पास उसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, और माइनस का इसका मतलब उसके पास -2, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर लिए, तो एटॉमिक नंबर 12 था, 2 गेन कर लिया 14 हो जाएगा, ठीक। जैसे एल्यूमिनियम +3, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप निकालें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करें, क्या हो जाएगा कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज और किसके साइन के साथ होगा विथ साइन, ठीक। तो एटॉमिक नंबर पुट करेंगे, क्या करेंगे एटॉमिक नंबर पुट करें, चार्ज +3 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, मींस एटॉमिक नंबर्स कम होगा, अगर प्लस है तो एटॉमिक नंबर्स कम, माइनस है तो एटॉमिक नंबर से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो हमने क्या देखा न्यूट्रल पे, देखा न्यूट्रल क्या था एटॉमिक नंबर के इक्वल था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और चार्ज बात करें तो क्या है माइनस चार्ज विथ साइन, ठीक। अगर माइनस होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, ज्यादा होगा, इसको आप याद रखें, अगर ये नहीं भी याद है तो ऐसे एटॉमिक नंबर आपको पता है माइनस है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, इलेक्ट्रॉन का गेन किया है तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर से ज़्यादा होगा, ठीक। अब आइए हम लोग मास नंबर देखते हैं, क्या
मास नंबर नोट करें। ठीक, मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इक्वल होता है उसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। ठीक, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। इलेक्ट्रॉन भी जोड़ा जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंपेरिजन में बहुत स्मॉल हो जाता है, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। बाकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऐड हो, क्योंकि मास है, हम कह रहे हैं ये मेरे हाथ में कितना वजन है, तो तीनों को हम जोड़ेंगे ना। मान लीजिए इसका बहुत कम होगा, बहुत कम, तो नेग्लेक्ट कर दीजिए, बाकी है तो कुछ ना इसका, तो वही है मास नंबर क्या है। लेकिन हम जो निकालते हैं वो सिर्फ किससे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर किससे नोट करते हैं, ए से। ए क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, तो मास नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, और हमें कोई एटम दिया है, कोई एलिमेंट दिया, उसका बताएगा कि इसका मास नंबर कितना है। जैसे अगर हमें ऑक्सीजन है 8, 16, बताया है कि इसका मास नंबर कितना है, 16 है। क्या है, मास नंबर 16 है, ये रिप्रेजेंटेशन हमें दे सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए हमें पता है कितना है, 16। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर इक्वल होगा, एटॉमिक नंबर कितना है, 8। यही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। दो पता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, मीन्स अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो क्या हो जाएगा, हमें मास नंबर पता है कितना, मास नंबर इसका 16 है और ये माइनस में होगा 8, मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमसे क्या कहेगा, तीनों में से दो चीज़ दे देगा, एटॉमिक नंबर दे देगा तो हम जान जाएंगे कि प्रोटॉन दिया है, और मास नंबर दे दिया तो वहाँ से न्यूट्रॉन निकाल लेंगे, या दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमें बताया है कि इसके पास इतना है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है, हमें क्या कहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इतना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतना है, तो कहेगा बताइए कौन सा एलिमेंट है ये। तो हम कैसे, दोनों को निकालें, मास नंबर जो आया, मान लीजिए हमें ये कितना दिया, 8 है, ये भी 8 दिया, 16 है, तो हमें पता होना चाहिए 16 मास नंबर किसका, ऑक्सीजन का होता है, तो हम बता देंगे कि ये ऑक्सीजन है। ठीक, तो ऐसे क्या करते हैं, मास नंबर को निकालते हैं, इसको नोट करें। और एग्जांपल करना चाहेंगे कोई भी, मान लीजिए इसके आइसोटोप कर लीजिए 8, 17 का, आप निकालिए नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 8, एटॉमिक नंबर के इक्वल होगा। ठीक, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, मास नंबर कितना है, 17 माइनस प्रोटॉन कितना है, 8, कितना आ जाएगा, 9। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया, 9 आ गए। अच्छा, इसमें कहे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमसे कहे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, न्यूट्रल है, एटॉमिक नंबर इक्वल होगा, कितना हो जाएगा, 8 इक्वल टू जेड, तो क्या हो गया, 8 हो गया। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ जब हम लेते हैं तो उसको एक और टर्म भी दिया गया है, क्या, न्यूक्लियॉन्स, किसका, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स जब एक साथ होते हैं, कलेक्टिवली प्रोटॉन न्यूट्रॉन कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन। तो हमसे पूछे कि न्यूक्लियॉन्स क्या है, प्रोटॉन और न्यूक्लियॉन के सम को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक, नोट करें।
अब आइए हम लोग देखते हैं कुछ एटॉमिक नंबर, मास नंबर से कुछ रिलेटेड पॉइंट, जैसे आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स। ठीक, पहले क्या देखते हैं, पहले देखते हैं हम लोग आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या है एटम, आइसोटोप्स क्या है एटम, किसी एलिमेंट के एटम जिसके क्या हो एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, क्या हो एटॉमिक नंबर सेम हो, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और क्या हो एटम ऑफ सेम, एक ही एलिमेंट का एटम हो। ठीक, तो क्या होता है आइसोटोप्स, देखते हैं डेफिनेशन क्या है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट मास नंबर, क्या हो उसका एटॉमिक नंबर जो हो वो तो सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इसको क्या बोलते हैं 1H1, ये एटॉमिक नंबर मास नंबर, 1H2 और 1H3। देखिए एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर क्या है डिफरेंट है, और एटम्स है किसके, एक ही एलिमेंट का एटम है। ठीक, क्या होता है आइसोटोप, एटम ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और ऐसे ही आइसोबार्स, आइसोबार्स क्या होता है वो डिफरेंट एलिमेंट का एटम्स होता, मतलब हम कह सकते हैं कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम, इसके पास सेम क्या होता है, इसके पास मास नंबर सेम होता है, क्या मास नंबर, विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। वैसे भी हम जानते हैं जब अलग अलग एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर सेम, सॉरी अलग ही आना चाहिए ना, एटॉमिक नंबर अलग आना चाहिए, बट मास नंबर सेम हो सकता है क्योंकि उसके आइसोटोप्स भी होते हैं। ठीक, तो जैसे अगर एग्जांपल की बात करें हम देख सकते हैं किसका, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्या होता है 20-40 होता है। ठीक, 19-40-18-40, ठीक, क्या हो गया 18-40-19, तो ये क्या हो गया, देखो डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट और क्या डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, क्या है बट सेम मास नंबर। अच्छा, क्या यहाँ से ऐसा भी कुछ आप निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू सेम आए, आप यहाँ से कुछ ऐसा निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू सेम आए, जब मास नंबर सेम है तो हमें पता है कि मास नंबर इक्वल टू क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो हम कह सकते हैं कि आइसोबार में क्या है सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन सेम होता है, क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होता है न्यूक्लियस में, मतलब सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस इज सेम, क्या होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम है सेम होता है इन न्यूक्लियस इज सेम फॉर ईच एटम, सभी एटम के लिए, फॉर ईच एटम। ठीक, तो ये क्या हो गया आइसोबार। आइसोटोप में क्या था, आइसोटोप में हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर सेम था बट मास नंबर डिफरेंट था, जैसे एग्जांपल देखें
और आइसोबार में बात की है, क्या है मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अगर मास नंबर सेम है इसका मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम है न्यूक्लियस में वो भी सेम होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं आइसोटोन्स, इसको आप नोट करें। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग आइसोटोन्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है, आइसो मतलब क्या होता है, समान, इक्वल, आइसो मतलब इक्वल, टोन्स मतलब न्यूट्रॉन्स, मतलब क्या हो, ऐसे एटम्स हो जिसमें न्यूट्रॉन की जो संख्या हो वो सेम हो, क्या हो, न्यूट्रॉन जो संख्या हो वो सेम हो, मतलब आइसो आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या है, एटम्स विच है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ द न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर, क्या हो, उसके जो मास नंबर हैं वो डिफरेंट होते हैं, और क्या, लेकिन जो उसमें न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है क्या होता है वो सेम होता है। अगर एग्जांपल की बात करें, अगर एग्जांपल की बात करें हम देख सकते हैं यहाँ पर सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर, सल्फर कितना होता है 1632, फास्फोरस 1531, सिलिकॉन 14 और 30। सिलिकॉन कितना होता है 14 और 30 होता है। अगर यहाँ न्यूट्रॉन निकालें तो कितना आएगा, न्यूट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर होता है। अगर न्यूट्रॉन निकालें तो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें, तो यहाँ अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 माइनस 14 करें कितना होगा 16, और यहां करिए कितना हो जाएगा 11 5, सेपरेट करें 6, ये हो गए, यहां भी 16 और यहां क्या हो गए, यहां भी 16, मींस सबके जो न्यूट्रॉन आ रहे हैं सेम, न्यूट्रॉन नंबर जो आ रहे हैं वो सेम है। तो हमें एग्जाम में कैसे पूछता है, हमें ये नहीं पूछेगा कि आइसोटोप्स की, आइसोटोन्स की डिफिनेशन बताइए, नहीं, वो मुझे क्या करेगा, कहेगा इनमें से बताइए कौन से आइसोटोन्स हैं। हमें चार एग्जांपल दिया होगा, उसमें से कहेगा कि बताइए इसमें इसके आइसोटोन्स कौन से, तो उसका न्यूट्रॉन निकाल लिए जो एग्जांपल दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है, फिर ऑप्शन देख लेंगे किसका न्यूट्रॉन उसके इक्वल आ रहा है, कैसे, मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन कर देंगे, एटॉमिक नंबर कर देंगे, तो हमें क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा, न्यूट्रॉन तो वो हम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने क्या देखा, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स, ठीक, और एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन में जो नीचे दिया है एटॉमिक नंबर, ऊपर जो दिया है मास नंबर, ठीक, और न्यूट्रल एलिमेंट में हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, लेकिन चार्ज पर क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है एटॉमिक नंबर माइनस चार्ज उस पर जो प्रेजेंट होगा, विद साइन लिखेंगे तो हमारा एक्यूरेट आएगा। ठीक, बाकी समझने के लिए, अगर पॉजिटिव इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गया है उसके पास से तो कम होगा एटॉमिक नंबर से, अगर आया है तो माइनस होगा, ज़्यादा होगा। ठीक, तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक नंबर और मास नंबर देख लिया, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।